वो क्या कर रहा था? ऊपर आकर बचा सकते हैं नहीं, वापस शिकायत करनी पड़े तुम्हारे। खत्म। गाइस ऐसा सीन तो आपके साथ जरूर हुआ होगा जिसमें कि आप लोग एनिमी को मारना चाहते हो हेडशॉट, लेकिन एनिमी आपको डाउन कर देता है और उसके बाद इमोट दिखाता है। तो गाइस आपके साथ तो पता नहीं, लेकिन मेरे साथ तो बहुत बार हुआ हुआ, मुझे तो बहुत लोगों ने लोल इमोट दिखाया हुआ है। गाइस मैक्सिमम टाइम ये सीन आपकी गलती की वजह से होता है, जिसमें कि आप लोग गलती क्या करते हो, आप लोग सोचते हो मेरे पास शॉर्ट गन है, मैं इसको वन टैप आराम से मार दूंगा। अरे नहीं नहीं, मेरे पास MP40 है, मैं तो इसको ड्रैग शॉट मारूंगा और पूरा रेडेंट मारूंगा। अरे छोड़, मेरे पास AWM है, AWM से वन टैप मारूंगा मैं। चुप रहे, मेरे पास फार्मस है, फार्मस से वन टैप मारूंगा। सो हेलो नमस्ते, राम राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो गाइज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बेस्ट गन कॉम्बिनेशन फॉर रैंक्ड एंड कस्टम में। तो गाइज वीडियो को पूरा देखना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। गन कॉम्बिनेशन के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा गाइज बेस्ट अटैचमेंट कौन सा है कौन सी गन के लिए। तो गाइज वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा देखना। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपका गेम प्ले बहुत ही तगड़ा इंप्रूव हो जाएगा एंड आपकी स्किल्स बहुत ही इंप्रूव हो जाएगी, आपके हेडशॉट भी बहुत ही तगड़े बनेंगे एंड आप लोग एनिमी को भी बहुत ही आसानी से मार पाओगे। तो चलो यार, बिना आपका टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप लोग रैंक खेलते हो और आपको उतना हेडशॉट से मतलब नहीं है, आपसे आपको मतलब है कि आपको किल्स बढ़ाना ज्यादा से ज्यादा, तो गाइस मैं आपको दो गन रिकमेंड करूंगा। सबसे पहले तो दो गोली वाला कट्टा, और दूसरी जो गन है वो है गाइस AK। अब जिसमें से दो गन और है जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हो, पैराफिल कर सकते हो और एक्सेमेट कर सकते हो, ठीक है। जिसमें क्या है गाइस कि अगर आप लोग ये दोनों गन यूज करोगे और आपके पास हाई अटैचमेंट नहीं है, यानी कि आपके पास फॉरग्रिप वगैरह नहीं है, तो भी आप लोग एक्सेमेट और पैराफिल चला सकते हो। लेकिन गाइस जो पहली गन रिकमेंड कर रहा हूँ वो है गाइस AK। अगर आपके पास 2 का भी फॉरग्रिप है तो गाइस AK लगाकर खेलो, आपका इतना डैमेज देगी एक के और इतने तगड़े हेडशॉट लगेंगे कि बहुत ही ओपी आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो पहला कॉम्बिनेशन ये है गाइस कि आपको AK और कट्टा लेकर जाना है रैंक में, जब आपको गाइस हाई डैमेज से मतलब है और आपको किल से मतलब है। और गाइस दूसरी चीज आपको बताना चाहूँगा कि AK में कभी भी आपको साइलेंसर नहीं लगाना है। अगर आप AK में साइलेंसर लगाते हो तो गाइस क्या होता है कि आपका डैमेज कम हो जाएगा AK का, ठीक है। और दूसरी चीज़ गाइज क्या होता है कि बाइपोड आपको AK में यूज़ नहीं करना है, ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अभी मैं आपको AK का थोड़ा सा गेम प्ले दिखा देता हूँ। तो गाइज जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितना अच्छा मेरा हेडशॉट कनेक्ट हो रहा है, मतलब कट्टे से, ठीक है। और अभी देखना AK से मैं कितना अच्छा हेडशॉट मारता हूँ। और देखो डैमेज, देखो गाइज 30 का, 32 का, 28 का डैमेज ले रहा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डैमेज ले रहा है। और आपके इसमें इतने जल्दी और इतने ज़्यादा किल्स होंगे गाइज, सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत ही तगड़ा वाला, ठीक है। और देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा एंड एकदम हाई डैमेज वाली गन है, जिसमें कि अगर आपको किल्स बटोरने हैं तो ये दो गन्स को आपको जरूर यूज़ करना है। अभी बात करते हैं गाइज दूसरा गन कॉम्बिनेशन की, जिसमें कि गाइज अगर आप लोग रैंक पुश कर रहे हो या फिर आप टूर्नामेंट वगैरह खेल रहे हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेडशॉट मारने हैं एनिमीज को, आपको बिना किसी अटैचमेंट के, यानी कि कम अटैचमेंट के, तो गाइज मैं आपको दो गन रिकमेंड करूँगा। आप MP40 ले सकते हो अगर आपको मिलती है, या फिर MP5 ले सकते हो अगर आपके पास अटैचमेंट नहीं है। MP5 एक ऐसी गन है जो कि बिना अटैचमेंट के बहुत ही तगड़े हेडशॉट मारती है। और दूसरी जो गन होने वाली है वो होने वाली है गाइज वन टैप गन, जिसको कि SKS ले सकते हो, SVD ले सकते हो, या फिर आप लोग वुड पिकर ले सकते हो। ये तीन गन आपको रिकमेंड करूंगा। लेकिन सबसे बेस्ट गन होने वाली है कि अगर आपके पास 2 का भी फॉरग्रिप होता है तो SKS लो, इससे बहुत ही तगड़े वाले हेडशॉट लगेंगे। मैं आपको भी हेडशॉट्स दिखाता हूँ। और उसके बाद अगर आपके पास साइलेंसर है ना है, कोई भी इतना मैटर नहीं करता है, बस आपके पास कम से कम 2 का फॉरग्रिप होगा तो आपके अच्छे हेडशॉट्स कनेक्ट होने वाले हैं। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैं कैसे SKS और MP5 से बहुत ही तगड़े वाले हेडशॉट मार रहा हूँ, तो बहुत ही गाइस इजी हेडशॉट लगते हैं MP5 और SKS से। अगर आपको हेडशॉट का रेट भी बढ़ाना है तो गाइस इन गन को यूज़ करो, बहुत ही अच्छे आपके हेडशॉट भी लगेंगे, ठीक है। और उसके लिए अगर आपको हेडशॉट मारने नहीं आते तो आप लोग मेरी ओल्ड वीडियोज़ देख सकते हो जो कि कल परसों डाली हुई है, जिसमें कि आपको बताया है कि आप लोग हेडशॉट कैसे मार सकते हो वन टैप, सब कुछ टिप्स एंड ट्रिक दी है। तो अभी बात कर दे गाइस अपना तीसरा एंड सबसे मेन कॉम्बिनेशन। लेकिन गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एक न्यू चैनल बनाया है मैंने, उस पर मैं गाइस फन कस्टम हर टाइप की वीडियोस डालता हूँ, मस्ती के साथ साथ रिएक्शन वीडियोस।
तो उस चैनल का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा। तो गाइज उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर देना, अभी 10 सब्सक्राइबर हुए, तो गाइज 1000 सब्सक्राइबर तो कम से कम करवा देना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। तो अभी बात करते हैं अपनी मेन जो कि गन कॉम्बिनेशन होने वाला। तो गाइज ये जो कॉम्बिनेशन होने वाला है ये गाइज सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है, वन ऑफ द बेस्ट, जिसमें कि गाइज आप लोग अगर आपका फेवरेट कट्टा है तो आप कट्टा यूज कर सकते हो, अगर आपका फेवरेट MP40 है तो आप लोग MP40 यूज कर सकते हो। उसके साथ आपको यूज करना है गाइज M140 के M4 आप लोग देख सकते हो, और M14Y यूज करना है, जिसमें कि गाइज क्या होता है आप लोग फायर कर पाते हैं रेगुलर, और गाइज पता है बिना वेस्ट के 50 का डैमेज देती है ये गन। और ये गन गाइज सबसे बेस्ट गन कॉम्बिनेशन है, सबसे डेंजरस गन कॉम्बिनेशन होने वाला है गाइज। अगर आपको हेडशॉट लेना है, ऑन स्कोप हेडशॉट लेना है, क्लोज रेंज में हेडशॉट लेना है, तो गाइज M4A1 एक ऐसी गन है जो मिड रेंज में इतने तगड़े हेडशॉट मारती है कि एनिमी को गाइज देखने का मौका तक नहीं मिलता है, ठीक है। तो गाइज जैसा कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो मैं इनको कैसे हेडशॉट वगैरह मार रहा हूँ एकदम क्लोज रेंज में, मिड रेंज में, तो बहुत ही ओपी कॉम्बिनेशन है MP40 कट्टा या फिर आप बोल सकते हो कि M14, ठीक है। तो गाइस ये कॉम्बिनेशन आप लोग ट्राई करना है। इसके साथ अगर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको सबसे मेन चीज़ है कि आपका फॉरग्रिप होना चाहिए, अगर आपके पास फॉरग्रिप है तो गाइस फॉरग्रिप को यूज़ करो। एंड गाइस यहाँ पर गाइस मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग हमेशा गाइस हाई वाली फॉरग्रिप को अपनी शॉर्ट रेंज की गन में यूज़ करो। अगर आपके पास MP40 है तो गाइस MP40 में Level 3 का फॉरग्रिप को डालो हमेशा, ठीक है। ऐसा नहीं अगर आपके पास AK है तो Level 3 का फॉरग्रिप AK में डाल दिया, और गाइस अगर आपने MP40 में नहीं डाल दिया तो क्या होगा कि MP40 का एमओ रिकॉल होगा, जिससे कि आप लोग एनिमी को थोड़ा सा मुश्किल से मार पाओगे। तो गाइस ट्राई करो कि जो आपके पास शॉर्ट रेंज की गन है उसमें गाइस हाई अटैचमेंट रखो। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया बना मत जाना गाइज, 1 मिलियन सब्सक्राइबर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय मेरे दोस्तों।